नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप गन्ने की फसल लेते हैं तो उसके अंदर मल्चर का जो प्रयोग किया जाता है उसका नफा या नुकसान क्या होता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि संजय भाई के खेत में इन्होंने अपना मल्चर प्रयोग किया था और उसके बाद आप देखोगे जो फसल है इसकी वो बहुत अच्छी है। देखो ये मल्चिंग के बाद पराली जो है, पत्ती जो है वो सारी की सारी खेत में ही ऐसे पड़ी हुई है, खुडों के बीच में के पूरे खेत में लगी हुई है। अब ये देखोगे पूरे खेत में लगी हुई है। और मैं इसके साथ एक चीज और बता देता हूँ आपको, जहाँ पे ये पराली नहीं गिरी वहीं पे अड़ंगा जमा हुआ है, बाकी और कहीं भी अड़ंगा नहीं जमा हुआ है। तो मैं संजय भाई से पूछूंगा, आप बताइए संजय जी, मल्चर का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसके सही में क्या फायदे हैं, मतलब एक किसान के हिसाब से आप बताइए, और उसका नुकसान क्या हो सक्ता है या फायदे फायदे क्या, वो जरा बताइए किसान भाइयों को। ये तो फायदे फायदे हैं, इसमें तो मजदूरी बचती है, घास नहीं होता, इससे ये जल्दी मल्चर से काटने से जल्दी बन जाती है, इसकी खाद बन जाती है गांव के लिए, फिर इसके जमीन में नमी रहती है, इसके रखने से नमी रहती है, जल्दी जल्दी पानी नहीं दिया जाता तो इसमें लंबे टाइम तक नमी रहती है। तो हमने ये विधि भी करके देखी, एक दूसरे वाले विधि भी पत्ती छोड़ के भी देखी है, हमने ये विधि अच्छी लगी है, ये विधि अच्छी लगी है। ये मेरे किसी साथी ने बोला था, उसका उसके मल्चर है उसके पास, उसने बोला तू करके देख। तो यानी किसान भाई को मल्चर का प्रयोग करना चाहिए, ना कि इसके पराली को या पत्ती को जलाना चाहिए। नहीं जला। तो मैं यही चीज दिखाना चाह रहा था, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि भाई खेत में पराली और पत्ती को नहीं फूंकना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान है। इस किसान भाई ने प्रैक्टिकली ये आप लोगों के सामने किया हुआ है और आप फसल भी देखो तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई हुई है। यानी मल्चर का प्रयोग करने से सबसे पहले जो किसान भाई ने बताया है, जो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम, वो बात ये है कि एक तो आपका खटपतवार नहीं उगेगा, दूसरा आपका पानी की कमी नहीं रहेगी क्योंकि पानी का वेपरेशन नहीं होता है, पानी भाप बन के उठता नहीं है, तीसरा जमीन के अंदर जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जीवाणुओं की जो क्षमता होती है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिट्टी की, वो बनी रहती है, उससे हमारी फसल और ज्यादा ताकतवर हो जाती है क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा जो लगा है इसमें वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार का केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, तो वो आपकी इनकम को बढ़ाता है, और दूसरा आपको पॉइजन से जहर मुक्त खेती की तरफ लेके जाता है, और ये हमारे आगे चल के सेहत पर भी असर डालता है, उसका बहुत सारा खर्चा, जैसे बीमारियों की शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, पशुओं में बीमारियां होती है, उसको भी बचाता है। तो जो किसान भाई संजय ने ये अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है, तो मैं सभी किसान भाइयों से चाहूंगा कि वो मल्चर का प्रयोग करें, और वो इसका पूरे खेत में नहीं कर सकते तो किसी एक छोटे खेत में जरूर करके देख ले, तजुर्बा जरूर करें, इसका आपको 100% फायदा नजर आएगा। और इसके ऊपर सरकार जो है मल्चर के ऊपर, रोटावेटर के ऊपर विभिन्न स्कीमों के तहत बहुत सारी सब्सिडियां देती है, आप अपने किसी भी कृषि विकास अधिकारी के साथ मिलकर आप अपने सब्सिडी के लिए प्रावधान करा सकते हैं, और इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो पानी की समस्या है। यदि आप पानी को बचाने में सफल हो जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए, आप अपने खुद के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है किसान। तो मैं किसान भाई को बधाई का पात्र मानता हूं कि इन्होंने इस विधि को अपनाना शुरू किया है, और पानी बचाने की एक मुहिम और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की एक मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं किसान भाई का दोबारा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।